ये आंख पाप कर्म, ये बड़ी को मम्मी समझता है और अपने जैसी को बहन और अपने छोटी से स्त्री जो डॉक्टर समझता है। अभी माता भी समझा, बहन भी समझा, डॉक्टर भी समझा, तो ब्रह्म का भी समझा। ब्रह्म कब देखेगा? फिर शरीर देखा ना, फिर स्त्री करके तो देखा ना, ये माता है, ये बहन है, ये लड़की है, बाकी एक औरत है, एक मेरी औरत है, बाकी सब बहन भाई माता और पिताजी है। तो इतना काय के लिए तुम देख रहे, एक ही पोंछी लगा दियो सफेद ब्रह्म की सबके ऊपर, तो सब काला चित्रा कलाश हो जाए। पूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित है तथा आसक्ति रहित और गुणों से अतीत हुआ भी अपनी योग माया से सबको धारण पोषण करने वाला और गुणों को भोगने वाला है। हले ना हले तो, दिसे ना दिसे तो, खाए ना खाए तो, सुमे ना सुमे तो, चखे ना चखे तो, जिभ्या स्वाद ज्ञानी, ये विचार सागर का श्लोक है। और एक रामायण का भी श्लोक है, कौन सा? सोचे तेजे करे वरी अनुभव में आने और विश्वास रखो, श्रद्धा के सिवा ये ज्ञान नहीं आता है। बड़ा बहुत दम चाहिए विश्वास रखने के लिए। हम लोग शुरू में शांति तो होके भी सब गुणों को भोगने वाला है, लेकिन गुणों के अधीन नहीं है। जैसे जीव जो है वो गुणों के अधीन है, लेकिन वो गुणों को भोगने वाला भी गुणातीत है, जानने वाला, ये गुणों को जानने वाला, विषयों को जानने वाला। हाँ, नीचे भोक्ता सर्व रस भोगी होते भी अतीत है, सबसे अतीत, वो ज्ञानी का ही लक्षण है। ब्रह्म जग्यासु मार खाता है, ये शब्द में जग्यासु इधर मार खाता है, भूल करता है, कभी कभी अंदर में भोग है, वासना है, इच्छा है, ये है, तो बोलता है कापी करता है, जहाँ गुरु से कापी करके, जहाँ तुम बोलता है ना वैराग वृत्ति में रहना चाहिए, ये रहना चाहिए, पड़े में रहना चाहिए, तो बिल्कुल सच्ची बात है। नहीं तो इधर कभी कभी जिज्ञासु है, अधूरा है, बंधक ज्ञानी मीन्स अभी अभ्यास में है, और इधर मार खाता है, गुरु से कापी करके बोलता है मैं भी जो हूँ सर्वरस भोगी, खाते नहीं, मैं खाते हुए खाता ही नहीं हूँ, घूमते हुए घूमता ही नहीं हूँ, किधर भी गया परवाह नहीं है, घूमते हुए मैं घूमा ही नहीं, उधर भी भगवान है। गया औरत के साथ घूमने, बोलता है मैं उधर भी ब्रह्म स्वरूप देखता हूँ। अरे औरत हाथ में काय के लिए लगाई, हम बाजू में काय के लिए लेके जाता है, ब्रह्म तो अकेला जाता है, ब्रह्म तो अकेला होता है, वो किसका आधार नहीं लेता है। तुम घूमता है फिरता है, बोलता है मैं प्रकृति का मजा लेने गया था, ब्रह्म फिर मजा लेता है क्या जाके इच्छा से? ब्रह्म के पास तो प्रकृति खुद आती है, पांव के नीचे स्वर्ग है उसके, वो कहीं स्वर्ग का मजा लेने जाता है क्या, इच्छा से जाता है क्या? अपनी इच्छा पहले कुछ नहीं है, वो एक जगह बैठ के सारी सृष्टि का सैर करता है, सारी सृष्टि उसके हाथ में है, उसके वश में है, सारी सृष्टि को बनाने वाला ही वो है, तो देखने क्या जाएगा? भाई मैं जाता हूँ अमेरिका घूम के आता हूँ, मेरी सृष्टि है ना, मैंने ही पैदा किया ना, मैं घूमने जाता हूँ, और तुमने पैदा किया तो तुम जानता नहीं है क्या? तुम उधर नहीं है क्या अमेरिका में जो जाता है? कहाँ तुम नहीं है जो देखने जाता है? कोई कोई बंद ज्ञानी बोलता है मैं पिक्चर देखने जाता हूँ, मैं इधर जाता हूँ, अपना ही देखना, जो मैंने ही बनाई है ना प्रकृति, मैं अपनी प्रकृति देखता हूँ, टीवी भी देखता हूँ मैं, उधर मैंने ही तो बनाई, इसीलिए गुण लेता हूँ, मैं गुण लेके आता हूँ पिक्चर से, टीवी से, उधर से, उधर से गुण लेने आता हूँ। अरे टीवी में क्या रखा है? नाम रूप मुआ एक ही नहीं, तुम्हारे से भूलता है, जो देखा है वो ही नहीं भूलता है, फिर टीवी का नाम रूप रखो अंदर। फिर रात को स्त्री आएगी सपने में, तुम नहीं समझना कि नहीं आएगी, तुमको छोड़ेगी नहीं, जो तुम बाहर देखेगा और टिक मार करके देखेगा बहुत अच्छी है, खाली बोला बहुत अच्छी है, वो सड़प की तरह तुम्हारे पीछे आएगी। तो एक नाम रूप ही नहीं भूलता है, नाम रूप भुलाने में ही हम बैठे हैं 24 घंटा ऐसा सत्संग लेके बैठे है, भाई नाम रूप भूल जाए, किसका नाम रूप अंदर नहीं आवे, ये भूत प्राणी तुम्हारे अंदर आ जाता है, तो तुम जाता है सिनेमा देखने के लिए, मैं ऐसे ही औरत की इच्छा हुई तो वो मेरे को लेके चली, मेरी तो इच्छा नहीं थी। अरे तुम गुलाम है क्या उसका जो नो नहीं कर सका है? तो मज्जू है क्या जो नो नहीं कर सकता है? ये सब नो का तुमको पावर है, तुम जिज्ञासु है, मुक्ति का जिज्ञासु है, मुक्ति तुमको चाहिए तो तुम कैसे नो नहीं कर सकता है? वो चारी रूठ जाएगी,
एक आदमी आया बोला मैं तो नहीं जाना चाहता हूँ ससुराल में, औरत बोलती है तो चलो, तो मैंने नहीं जाऊंगा तो रूठ जाएगी, फिर बच्चे को मारेगी, फिर घर में नमक जाती डाल के देगी, मेरे को जहर डाल के देगी, ऐसा करेगी ऐसा करेगी, रूठ के बैठेगी। इसके लिए मैं औरत का गुलाम होके उसकी इच्छा पूर्ण करने जाता हूँ। बोलता है नहीं अपनी इच्छा पूरी करो, नहीं दूसरे की इच्छा पूरी करो, डबल त्याग है, तुम तो आसक्ति किस में नहीं रखता है, वो तुम्हारे में रखता है। भाई मैं तो छोड़ के बैठा हूँ, दूसरा मेरे को छोड़ता नहीं है। नहीं, तुम्हारे अंदर और आसक्ति है जो दूसरा नहीं छोड़ता। जिस दिन तुम्हारे को अंदर से ही निरासक्त तुम हो जाएगा, निरिच्छा, दूसरा सब छोड़ के जाएगा। बी गुड एंड आल विल लीव यू। तुम जब अच्छा बनेगा सारी दुनिया तुमको नमस्कार करके छोड़ के जाएगी, बोलेगी ऐसा अच्छा आदमी हमको नहीं चाहिए, क्योंकि बुरा आदमी को अच्छा आदमी नहीं पसंद है। तुम उसी से बकवास नहीं करेगा, माया की बात नहीं करेगा, सिनेमा में नहीं जाएगा, निंदा पचड़ चुगली नहीं करेगा, वो तुमको छोड़ के जाएगा, तुम अकेला रह जाएगा। तो इधर यही बात है, जिज्ञासु को तकड़ करके ऐसा नहीं समझने का मैं भी खाते हुए नहीं खाता हूँ। भाई अपनी इच्छा से तुम दाल खाई, ये भी तुमने जहर खाया, इतना दादा बोलता था। भाई अपनी इच्छा से तुम ऐसा उठा के और पापड़ खाता है, समझो पापड़ रखा है टेबल पर, जब भी तुमको भगवान करके कोई ऑफर करे तभी खाना। घर में भी दादा ऐसा मौन बैठता था, हजारे चीज आ जाए टेबल पर ऐसा करके उठा के नहीं खाता, चुपचाप बैठ जाता। जब उन सबको ख्याल आता था दादा ऐसे ही बैठा तो उसको प्लेट में कुछ न कुछ लेके देते थे, वो पीछे खाए या नहीं खाए उसकी मर्जी। लेकिन हम जब भी भोग चढ़ाते थे तभी वो अंगीकार करता था, घर में भी कोई चीज ऐसा रंधने में जाके नहीं खाता था, इतना निरिच्छा। बोलता है भगवान कभी आप ही खाता है क्या? भगवान को तो गोपियां खिलाती थी, भगत खिलाते थे, भगत जब भी खिचड़ी पका देते, कर्मा जी खिचड़ी में बड़ी मोहन के, कर्मा जब भी ऐसे भाव से खिचड़ी बना के बैठती थी इंतजार में, तभी भगवान उधर जाके खाता था। खुद नहीं बोलता था मेरे को आज खिचड़ी खाने की है, तुम तो औरत को जाके बोलेगा आज ये चीज बनाना, पकौड़ा ठकोड़ा बनाना मैं खाऊंगा, आज वे ये चीज मेरे को पसंद है। वो पसंद और नापसंद से ऊपर, ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, 24 घंटा ज्ञान का भोजन खाता है और वो इसी भोजन में इसी रस में जाता ही नहीं है इंद्रियों के, मेरे को ये चीज पसंद है मैं ये खाता हूँ। निराड़ी पवन आहारी ब्रह्मज्ञानी जो होता है निराड़ी होता है, कभी कोई रस नहीं लेता है बाहर से, तो भी उसके आगे जब भी गोपियां आगे 36 प्रकार का भोजन रखती भी है तभी बोलता है मैं खाते हुए भी खाता नहीं हूँ। दुरासा ऋषि सब कुछ खाते हुए भी उसको बोला तो नंदी को बोलना, जमुना नंदी को, तो दुरासा ऋषि ने अगर अन्न का दाना भी नहीं चखा हुए तो नंदी तुम उतर जाना, तो नंदी उतर गई। अरे जड़ प्रकृति भी तो उसके ज्ञानी के अधीन है, जड़ प्रकृति को भी पता है कि ब्रह्म ज्ञानी निराड़ी है। ऐसे तुम भी निराड़ी बन के बैठो, एक भी इच्छा तुम्हारे अंदर नहीं होनी चाहिए, मेरे को तो खुशी भी आती है फलानी चीज की, फलानी चीज बनाना आज ये बड़ी अच्छी है, ये तुमने तीवन मच्छी पला खाया, और उधर ब्रह्म ज्ञानी आदमी को मार के भी कभी पापी नहीं है। बकरा तो छोड़ो, किसी आदमी को भी गला काटे ना ऐसा तो भी पापी नहीं है, और तुम दाल खाने वाला पापी है क्योंकि अपनी इच्छा से खाया। अर्जुन ने हजारों को कतराम कर दिया तो भी पापी नहीं हुआ, क्यों? तुम तो बकरा मरता हुआ देखता है तो डरता है, उसने तो आदमियों को मार डाला तो भी पाप नहीं लगा, पहले लगता था जब आत्मा में नहीं था, शुरू में तो लगता था पाप हजारे और पीछे नहीं लगा, क्यों? क्योंकि आत्मा को जाना, तो बकरा तलवार का सही आत्मा ही है। भाई तुम ऐसा देखेगा तो ये मार रहा है लेकिन वो नहीं मारता है, 18 अध्याय में पढ़ो, तो ज्ञानी मारते हुए भी पापी नहीं है। बकरा तलवार का सही मैं ही तो हूँ, तभी सदने का सही को पाप नहीं लगा, और तुम साई भाजी खाने वाला बकरा खाता है ऐसा समझो, क्योंकि इच्छा रखता है साई भाजी मेरे को चाहिए, क्रोध करता है, थाली फेंकता है, मेरे को फलानी चीज क्यों नहीं दिया आज, तो ये इच्छा से खाता है। तुम इच्छा ही पाप है, बाकी खाना पीना देखना घूमना फिरना पहनना कुछ पाप नहीं है, लेकिन अंदर की आसक्ति और इच्छा ही पाप है। इच्छा और आसक्ति, राजा जनक ने बोला है एक लंगोटी वाला सन्यासी
जिसको लंगोटी में आसक्ति है वो सारा ही माया में डूबा पड़ा है, और मैं जो इतनी राजाई में बैठा हूँ, सबको मिथ्या जान के बैठा हूँ, ब्रह्म को सत्य जान के बैठा हूँ, तो मैं स्थिरता को प्राप्त हुआ हूँ। मेरे मन को जो स्थिरता है, क्योंकि मैं मिथ्या जान के बैठा हूँ, मिथ्या से मेरी प्रीत नहीं है, चाहे हजारे ये सब चीज हमारे सामने है, स्त्रियां है, बड़े बड़े शौक के सामान है, ये है वो है, स्वर्ग का सुख है, तो भी मैं उसको मिथ्या जान के बैठा हूँ, कौआ के विष्टा के समान। कोई भी मेरे को अंदर में उसके लिए ममता नहीं है, आसक्ति नहीं है, तो मेरा मन स्थिर है आत्मा में। अच्छा था तीरथ राम था, जब ये गुरु पा हो गया तो एक दिन चिट्ठी लिखा, तीरथ राम अभी राम तीर्थ हो गया, राम का तीरथ हो गया, अभी जो भी बाप को बोला, जो भी मेरे में इच्छा है तुम्हारी, वो सीधा परमात्मा में इच्छा रखना, मेरे से तुम कभी भी इच्छा नहीं रखना, मैं अभी राम का बेटा हो गया हूँ, राम का तीरथ हो गया हूँ, राम को मैंने अपना सब कुछ अर्पण कर दिया। पीछे बाप ने उसी से आसक्ति निकाल दिया, जो गुरु का होता है तो आप ही सब लोग जो है उसे आसक्ति निकाल देता है, जब सच्ची तरह से गुरु की शरण लेता है कोई, सारी दुनिया तुमको छोड़ देगी, आप ही भाई ये हमारा थोड़ी है, ये तो गुरु का है, ये तो भगवान का है, इसको सारा दिन भगवान याद है, ये सारा दिन सत्संग में ही बैठा है, ये घर में जैसे है ही नहीं। जब तुम्हारी आसक्ति निकल जाएगी तो उनकी भी तुम्हारे से निकल जाएगी, जब तुम उसका स्वार्थ और इच्छा नहीं पूरी करेगा, वो तुमको सिनेमा में लेके जाता है, भैया फलाना लेके गया, तुम उसके साथ गया, माने तुमने उसकी इच्छा पूरी की, तुमने भी इच्छा पूरी की उसकी, तो वो पक्का हो गया। ज्ञानी नहीं स्वार्थ किस में रखता है, नहीं स्वार्थ किसका पूरा करता है, ये भी समझ लेना, तुम दूसरे का स्वार्थ पूरा करेगा और बोलेगा वो मेरे में ममता नहीं रखे, ऐसा नहीं हो सकता। डबल त्याग है, दोनों तरफ का त्याग, तुम तो सबको छोड़ के बैठा है लेकिन वो तुमको नहीं छोड़ता है, ये ठगी है, वो भी तुमको तभी नहीं छोड़ता है क्योंकि तुम्हारी आसक्ति अभी पड़ी है, इसलिए वो नहीं छोड़ता है। निरासक्त और निरिच्छा तुम हो जाएगा तो सब तुमको छोड़ के बैठा है। फलाना आदमी मर गया, दादा ने ऐसा किया था, बोला मृत्यु की मेरी पधराई हो गई है, अभी कोई चिट्ठी कोई तार कोई संदेश मेरे नाम पर नहीं आएगा, बोलता था मेरा बेटा मर जाएगा तो भी मेरे को सत्संग में आदमी नहीं आएगा कि तेरा बेटा मरा है चलो, यहाँ तक सबको सबसे हमने मोकलानी कर दिया, तो मेरा बेटा ही नहीं है, मेरी स्त्री आई नहीं, मेरा कोई नहीं है दुनिया में जो मेरे को संदेश आएगा उसका, तुमको संदेश तो नहीं आएगा तो भी आप ही जाएगा उधर, मैंने सुना है फलाना माँ मेरा भाई है ना वो बीमार, मैं जाता हूँ, तुम आप ही जाता है उधर, तुमको कोई बुलाए नहीं बुलाए, तुम्हारी आसक्ति है तो तुम जाता है फिरता है, जहां जहां तुम्हारा वास है, वासना है, ममता है, आसक्ति है, उधर तुम घूमता फिरता है। जिड़की होती है ना, जिड़की को क्या बोलते हैं, चिड़िया, चिड़िया को तुम धागा बांधो फिर उड़ाओ तो कितना तक उड़ेगी, जहां तक धागा है, जहां तक तुम्हारी वासना है उधर ही फिरता गिरता रहता है, और ज्ञानी ने वो जो है धागा वो तोड़ दिया अपना, बेहद का मजा लेता है वो जिड़की जो है ना, चिड़िया सारी संसार में घूमती है, सारे आकाश का सैर करती है, और तुम जो है वो हद में घूमता फिरता है, ये मेरा है ये तेरा है, अपनी जो छोटी छोटी दुनिया बनाई है ना उधर ही तुम्हारा वास जाता है, वासना जाती है। हम तो इनसे ये जो आती है ना दूसरे दूसरे शहर से, वो बोलेगी लखनऊ कब चलेगा, वो बोलेगी कानपुर कब चलेगा, वो बोलेगी अहमदाबाद कब चलेगा, तो हम तो उधर से ही समझ जाते हैं, तो ये अपना लखनऊ इधर लेके आई, मन में संसार भर के आई, हमारे घर में चलना, हमारा घर कहाँ है कानपुर में, तो कानपुर इधर भूला क्यों नहीं, हम तो अजब खाते हैं भाई, तुम आया है भगवान के पास, भगवान का घर है मसाना, मरने के लिए तुम आया है, तो तुम वापस जाएगा और तुम बोलता है भगवान तुम चलो कानपुर, तुमको देश और काल और ये कैसा याद आता है, इधर इधर ब्रह्म ही ब्रह्म है, मौत ही मौत है, तो तुमको फिर अपना देश अपना घर अपना फलाना इधर सबको छोड़ के आई है, तो भी बोलेगी मेरा बेटा ऐसा करता है, मेरा मर्द, मेरी जगह, मेरा नाम रूप, मेरा फलाना, सब इधर आके बोलेगी, सारा इधर संसार बड़ा पड़ा, कोई इधर रह के आखिर हम पूछते हैं भाई अभी तो कुछ याद नहीं है, अभी कुछ याद नहीं है, धीरे धीरे इसका जो अंदर सूक्ष्म जो है ना संसार वो नाश होता है रह के, फिर
प्रकरण में पड़ा है, अचानक बेहोशी में बोलेगा मेरा मर्द मेरा बेटा। स्थूल सूक्ष्म कारण, स्थूल से तो ये मोकला निकल के आई, सूक्ष्म पड़ा है अंदर, सूक्ष्म इधर ज्ञान से जाता है। प्रकरण शरीर भी ऐसा ब्रह्म 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 करके इतना ब्रह्म करो जो अंदर में ब्रह्म घुस जाए, जो कारण शरीर में भी तुमको नहीं याद आवे कि मैं शरीर हूँ, मैं मर्द हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं फलाण हूँ, मैं टीरा हूँ। बेहोशी में भी तुम ब्रह्म स्वरूप है, बेहोशी में भी तुमको कोई उठाए तो तुम ब्रह्म ही बोलो, इतना ब्रह्म तुम्हारे रग रग में चला जाए अंदर। इसलिए दादा सुबह से ब्रह्म करता था तो रात तक लाखवाड़ी कम से कम ब्रह्म बोलता, हम बोलता थकता भी नहीं है। एक एक आदमी बोले तुम ब्रह्म है, तू ब्रह्म है, मैं ब्रह्म हूँ, तू ब्रह्म है, ब्रह्म ही ब्रह्म है। पता नहीं कितना दिन, कितना सारे दिन में कितना दफा वो आत्मा और ब्रह्म बोले, सब बोलते थे ये थकता नहीं है दादा, एक ही विषय के ऊपर इतना कैसे बोलता है, बोलता है ना मैं थकता ही नहीं हूँ, मेरे को तो इतना प्रिय लगता है ब्रह्म ज्ञानी की स्त्री ज्ञान, ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, ब्रह्म ज्ञानी का धंधा ज्ञान, भाई प्रिय में प्रिय वस्तु मेरे को ब्रह्म, जो आत्मा में तृप्ति वाला, आत्मा में प्रीति वाला, आत्मा में ही सब कुछ उसका था, आनंदी आत्मा में। थोड़ी भी मायावी बात चलती थी एकदम अपनी कापी उठा के ऐसा पढ़ता था तो हम सब डर जाते थे, भाई हमने फलानी बात या इधर किया ना, इसके लिए दादा ने कापी उठा के ऐसा कर दिया, भाई ये परिणाम रूप की बात करता है। फाग जाता था हम बोलते थे रुक गया भगवान, तुम अभी तक बातों में, अभी तक मर्द बेटे की बात थक गए हो, तुम ब्रह्म की बात नहीं करता है। ऐसा ब्रह्म उसको प्यारा था। और यही योगी जो है वो अंतकाल में उत्तरायण में शरीर छोड़ने वाला ब्रह्म वेता, वो ब्रह्म को ही प्राप्त होता, जो जीते जी जीवन मुक्त है सो विदेह मुक्त है। ये याद रखना, जो जीवन मुक्त नहीं है वो विदेह मुक्त नहीं होता है। वह उसकी बात करेगा, बेटा पड़े है तो सारा दिन बेटे की बात करती है, मेरा ना हरेश, मेरा ना रमेश, अरे हरेश रमेश आया था, मेरा ना फलाना नरेश, सब उसको याद है, सारा दिन याद है, क्योंकि उसको प्यारा है। ऐसी तरह से आत्मा प्यारी इतनी है जो सारा दिन तुम आत्मा की बात करेगा, जब तुमको आत्मा प्रिय लगेगी तो ये तुम्हारे बेटे का नाम रूप भूल जाएगा, दादा से पूछ रहा था दादा आपको कितना बेटा है, फलाना पता नहीं चार है कि पांच है, ऐसा सा पता नहीं कितना है, भाई पोटा ये सामने खड़ा है मैं तो नहीं पहचानता हूँ ये कब पैदा हुआ, भाई ये 12 साल का हो गया है, सामने आवे वो पहचाने नहीं, पता नहीं किसका, बात भी नहीं करे कभी किसी, पोटे को नहीं पहचानता था और बेटा अंगुली पर ऐसा था करता था पता नहीं कितना है। तुम हंसते समझते ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन जैसे पिछले जन्म का बेटा तुमको याद नहीं है वैसे इस जन्म का बेटा तुमको याद नहीं आना चाहिए, इतना वो ऐसे ब्रह्म के ऐसी दुनिया में रहता था, ईश्वर की दुनिया, ईश्वर सृष्टि, तो जीव सृष्टि उसको भूल गई। जड़ मैं स्थूल, स्थूल बुद्धि, स्थूल नाता, स्थूल जगत, स्थूल जीव, सब स्थूल में ही तुम पड़े अभी तक। स्थूल की बात करते हैं ना 24 घंटा, किसकी बात करता है, स्थूल जगत की, स्थूल बेटा बेटी सब स्थूल है। बोले परमात्मा है सूक्ष्म, जैसे सूरज के किरणों में पानी रहता है, वो सादा में मनुष्य को देखने में नहीं आता है, लेकिन साइंसदान ऐसी दूरबीनी लेके आता है सूक्ष्म, जो उसी से पानी निकालता है, पानी देखता है उसमें भाई बराबर पानी है। तो गुरु की भी दूरबीनी बहुत सूक्ष्म होती है, जब स्थूल नाता स्थूल बातें स्थूल जगत को वो भुलाएगा, नाम रूप से ऊपर जब चढ़ेगा तभी सूक्ष्म ब्रह्म में टिकेगा। तो स्थूल बुद्धि वाला सूक्ष्म को नहीं जान सकता है। और क्या बोला, चर अचर सब भूतों के पहाड़ भीतर परिपूर्ण है और चर अचर रूप भी पहाड़ भीतर है। जैसे बर्फ और पानी बताया भाई, बाहर भीतर पानी है, वैसे चर अचर जड़ चेतन वो खुद ही बना है, जड़ और चेतन वो खुद ही है, फिर नहीं जड़ है नहीं चेतन है।
सब एक ही परमात्मा है, ऑल इन ऑल, सब है पर सब में भी है, एवरीथिंग इज गॉड, एवरीवेयर इज गॉड, सब जगह है भगवान ही भगवान है। हियर ज्ञानी बोलता है नो हियर भगवान है, और बोला नो हियर, भाई भगवान कहाँ है, भगवान तो बहुत दूर है, देखने में भी नहीं आता है, बहुत दूर है, अज्ञानी पुरुष के लिए बहुत दूर है। और जो सबकी आत्मा इतना तो अत्यंत नजदीक है, जो सबसे नजदीक आत्मा, सबसे नजदीक भगवान है, फिर दूर भी वही है, अज्ञानी के लिए दूर है ना, दूर भी है तो सही ना, और ज्ञानी के लिए नजदीक है, नजदीक और दूर एक ही आत्मा है। और फिर बोलता है जैसे आकाश एक हो के आकाश, ऐसा समान हो के सब में अंदर एक ही आकाश है, तो भी घट घट में जुदा जुदा देखने में आता है। तो मटका रखो, हजार मटका रखो, तो तुम समझेगा एक एक मटके का जुदा जुदा आकाश है। ऐसी तरह से बोलता है सर्वव्यापी परमात्मा चाहे एक ही है, तो भी इतने जो देखने में आते हैं ये नाम रूप, उसमें अलग अलग दिखाई देता है। जैसे ये पाप आत्मा है, ये पुण्य आत्मा है, ये छोटा आत्मा है, ये बड़ा आत्मा है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये नौकर है, ये सेठ है, ये जर है, ये चेतन है, ये कुत्ता है, ये बिल्ला है, ये पक्षी है, ये पशु है, तो सब में अलग अलग आत्मा तुम देखता है, लेकिन है आकाश की तरह सर्वव्यापी, एक ही भगवान है। जैसे मठ आकाश, घट आकाश, महाकाश, घट में आकाश जुदा लगता है, घट को फोड़ो तो फिर महाकाश में मिल जाता है, मठ को भी मठ की छत उतारो तो ये आकाश और वो आकाश एक हो जाता है, तो है तो पहले से ही एक, लेकिन ये दीवार आ गई, उपाधि आ गई, इसके लिए तुम ऐसा जुदा जुदा आत्मा करके देखता है, अज्ञानी जुदा जुदा करके देखता है। जो बड़ी जैसे कॉमन मैं रोशन करता हूँ, सबकी जोत जो है वो मेरी जोत है, मेरे चानन सब चानन होता है, उसके चानन सब ते चानन होए, ये गुरु नानक साहब की आरती है। जोत सबकी जोत जो है वो मेरी जोत है, मेरे चानन से सब चानन होता है, मैं ही ज्योतियों का ज्योति हूँ, सबको जोत देने वाला, सबको प्रकाश देने वाला, सूर्य को, अग्नि को, देवताओं को, सबको, जो भी जिसका भी तुम प्रकाश देखो, जहाँ भी तुम कुछ रोशनी देखो, जहाँ भी तुम कुछ सुंदरता देखो, वो भी मेरा ही तेज है। तुम बोलते ना फलाना बहुत सुंदर है, उसमें सुंदरता किसकी, तुम तो उसके सुंदरता के ऊपर आशिक होता है, लेकिन सुंदरता है किसकी, कौन सुंदर है, कौन तेजस्वान है, तुम तो सूरज को बोल रहे यही भगवान है, अरे ये तो खाली उसकी थोड़ी सी अंश है, सूरज को मिला है उद्धारा, उसको मिला है रोशनी, हमारे से उद्धारी उसको रोशनी मिली है, हमने ही सबको उद्धारा रोशनी दिया है, थोड़े टाइम के लिए थोड़ी रोशनी दिया, बाकी तो रोशन स्वरूप मैं ही हूँ, प्रकाश स्वरूप मैं ही हूँ, सबसे जो प्रकाशवान है वो भगवान ही है एक, वो ब्रह्म स्वरूप है, जो सबको थोड़ी सी रोशनी देता है, सूरज को, चांद को, सभी को मेरी रोशनी है। ज्ञान स्वरूप, वो जो परमात्मा ज्ञान स्वरूप है, माया से अति परे, जिसको माया टच भी नहीं कर सकती है, माया तो उसके अधीन है, माया के वो अधीन नहीं है, माया का साथ लेके आया है, प्रकृति का साथ लेके आया भी है भगवान, तो भी प्रकृति के अधीन नहीं है, माया के अधीन नहीं है, माया से परे, त्रिगुणीमय माया से परे, ये तीन गुण की जो माया है, सतो रजो तमो, सब जीवों को ये तीन गुण की माया जो है वो अधीन करके बैठी है, सब माया के अधीन होके और माया के पीछे जा रहा है, माया सबको खाके बैठी है अंदर, लेकिन एक ही ब्रह्म है जो माया से परे, निराकार शक्ति सबसे अतीत, माया से बहुत ही परे है, माया उसको टच नहीं कर सकती है। तुम बोलते माया बड़ी दुस्तर है, तो ब्रह्माकार वृत्ति वाला नहीं बोलता है माया बड़ी दुस्तर है, जो ब्रह्म स्वरूप में टिका हुआ है उसके लिए माया है ही नहीं, जो ब्रह्म देखता है वो माया नहीं देखता, उसके सामने माया ऐसी छिप जाती है जैसे सूरज के सामने अंधेरा, माया को वो देखता भी नहीं है, भाई माया क्या होती है, तुम समझो भाई माया बहुत दुस्तर है, मेरे को तो गिरा देती है, मैं तो माया के वश हो जाता हूँ, मैं तो रोक नहीं सकता हूँ अपने को, माया बहुत सुंदर है, माया मेरे को घुमा के जाती है, मेरे आशिक करके जाती है, मैं माया के पीछे जैसे गिर जाता हूँ, तो जीव जो है वो बराबर माया में गुम हो जाता है, माया उसको जीव को खींचती है अपने तरफ,
क्योंकि जीव जो है वो हद वाली शक्ति है, परिच्छन्न है, तो उसको माया बराबर गेड़ा करती है। लेकिन जो बेहद आत्मा है, जो परमात्मा है, जो ब्रह्म स्वरूप है, वो देखता ही ब्रह्म है, तो माया कैसे देखे। ब्रह्म ज्ञानी का पेकन सब ब्रह्म, अभी माया कहां से आए। और तुम माया किसको बोलता है, तुम्हारी नजर में माया किधर है बताओ, तुम क्या माया देखते है, माया क्या होती है बताओ, माया का मतलब क्या है। माया जो देखने में आवे पर है नहीं, वो है माया। जो देखने में आती है पर हस्ती नहीं है, नो एग्जिस्टेंस पावर, माया को कोई हस्ती नहीं है, अभी है अभी नहीं है। गंधर्व नगर देखा है आकाश में, ये जो बादल है ना, बादल फिरता गिरता रहता है सेकंड सेकंड में। तुम बोलते हैं ये बच्चे बोलते हैं ये ऊंट है, फिर थोड़े टाइम के बाद घोड़ा बन जाता है, थोड़े टाइम के बाद ये बंगला बन जाता है। तो बच्चा आपस में लड़ाई करता है, ये मेरा ऊंट है, तो बोलता है नहीं ऊंट तो नहीं है, गधा है, अभी गधा तो नहीं है, चेंज। तो माया ऐसे है गंधर्व नगर जैसे आकाश में बादल, ऐसी तरह से तुम जो बोलते है माया है, तो ब्रह्माकार वृत्ति वाला बोलता है माया है ही नहीं। माया का मतलब क्या है, खाली देखने में आती है लेकिन है नहीं, हस्ती नहीं है उसमें, वो है माया। अभी ऐसी माया में तुम कैसे गिरता है, तुम हाथ तो रखो भाई ये माया, ये माया कहाँ है, माया दिखाओ हमको, दिखाओ माया किधर, माया सिर जगत का सिर नहीं बनो भाई, मैं माया देख रहा हूँ, ये सपना है। हम बोलते हैं सपना नहीं है, मैं ही तो हूँ। सपन का दृष्टा जो है, जो दृष्टा है, तो तुम दृष्टा बनता है सपने का। दृष्टा बनो अपने आप का, सेल्फ सीयर, अपना आप देखो, सपने सपना नहीं देखो, सपना तो मिथ्या है, फिर सपने को क्यों देखा। सत्य को ही देखो ना, सत्य वस्तु ही तो है, ब्रह्मी ब्रह्म हर जगह समाया, जब ब्रह्मी ब्रह्म है तो माया कहां से आई, तब अपना अपना ही ख्याल है सपना। तुम अकेला है, रात को सोया पड़ा है, अपने ख्याल से तुमने सपना बनाया, तुमने ही बनाया तो तुम कितना बड़ा है। एक रात में हजार सपना बनाता है तो तुम कितना बड़ा है, सपना बनाने वाला, सपना क्रिएटर, क्रिएटर तो तुम है ना। क्रिएशन जो है वो मिथ्या है, तुम क्रिएटर है अपने आप का। ब्रह्म जो है वो अपने आप को ही क्रिएट करता है, जैसे अपने आप का ही सीयर है, तो तुम अपने आप का सीयर बनो, नाटक सपने का सीयर। सपना है कहाँ, सपना तो तुम्हारा ख्याल है, जो जागता है वो सपना नहीं देखता है। जागते तुम सपना देखेगा, जागेगा तो ये अपना आप देखेगा, सोएगा तो सपना देखेगा। जो तुम बोलते हैं मैं माया में बैठा हूँ, सपने में बैठा हूँ, सोया पड़ा है, इसके लिए तुम सपने में बैठा है। सोते हुए आदमी को सपना देखने में आता है ना, जागते हुए आदमी तो सपना दिखाओ। कोई भी तुम कर्म करेगा तो ब्रह्म को नहीं जान सकते, लेकिन तत्व ज्ञान से, ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान माना रोशनी, ज्ञान माना आत्मा का बोध, भाई तू आत्मा है, आत्मा का निश्चय, आत्मा के ज्ञान से तुम ब्रह्म को जान सकता है, तत्व ज्ञान से, नहीं किसी कर्म से। इधर असल बिल्कुल सीधा कह दिया है भगवान ने कि तत्व ज्ञान से ही तुम ब्रह्म को जान सकते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं। और फिर ज्ञान का लक्षण बताया, श्रेष्ठता का अपमान नहीं होना चाहिए, ममता रहते ये रह सब बोला। ये ज्ञान जब तुमको आ गया, तुम आत्मा में टिक गया, तो फिर ज्ञेय वस्तु जो है परमात्मा जो ब्रह्म है उसको तुम जानेगा, तत्व ज्ञान से आत्मा को ब्रह्म को जानेगा। तो ब्रह्म स्वरूप कैसा है, कैसे सर्वत्र है, कैसे सर्वज्ञ है, वो सब बताया तुम। माया जो है वो पीछे बनी, ऐसा नहीं है, पुरुष जब है तो प्रकृति भी साथ है, पुरुष और प्रकृति के साथ से ही ये सारा जगत बना है। तो जब पुरुष है तो प्रकृति भी है, जैसे तुम मैं तो तुम्हारी परछाई कठी है ना, ऐसा ऐसा नहीं है कि पहले तुम मैं पीछे परछाई है, जहाँ तुम मैं तहाँ परछाई है, जहाँ ब्रह्म है तहाँ उसकी माया भी है। जब पुरुष है तो प्रकृति भी है, तो बोलते हैं पुरुष और प्रकृति दोनों अनादि है, जिसकी आद नहीं है, क्योंकि आद कौन जाने, तुम पहले था क्या जो पीछे भगवान की भाई आद और अंत देखेगा, तुम ही नहीं है, तुम ही पीछे हुआ, तो भगवान की आद और अंत कौन जाने।
तो इसके लिए बोलता है शुरू से ही पुरुष भी है, प्रकृति भी है, माया भी है और आत्मा भी है। माना प्रकृति या शरीर भी है, तो ये आत्मा जो जीवात्मा वो भी अनादि है, दोनों अनादि है। और ये त्रिगुणीमयी माया जो है वो प्रकृति का एक अवगुण है, प्रकृति का विकार है, वो भी पहले से ही है। जैसे प्रकृति है तो प्रकृति के साथ त्रिगुणीमयी माया का ये विकार, राग द्वेष हसद साढ़ इच्छा वासना, ये सब उनके साथ ही है। जैसे ही ये जगत उत्पन्न हुआ तो पुरुष और प्रकृति के मेलाप से, जब दोनों का मेलाप हुआ तो ये जगत हो गया। निराकार साकार धारे आयो जग में, एक ही निराकार साकार सृष्टि धार के आया है। तो जैसे ही पुरुष है तैसे ही प्रकृति है, दोनों अनादि है, शुरू ही उसकी नहीं है, माना आदि नहीं है। इसलिए तुम उसको दोनों को अनादि करके जान। और प्रकृति से ये सब त्रिगुणीमयी माया और उसका विकार प्रकृति से ही उत्पन्न हुआ है, पुरुष उसी से अलग है। प्रकृति से जब कनेक्शन रखता है तो भोगता है, दुख सुख भोगता है। जब प्रकृति से कनेक्शन नाता तोड़ता है तभी वो सुख दुख नहीं भोगता। जो इसे शरीर से नाता रख के बैठता है, तुम बोलते मैं तो जीव हूँ